जज्बातों की जुबान है ये, दिल में उठती हुई हिलारों का कारवां है ये, इश्क तो इश्क है जज्बातों की जुबान है ये, दिल में उठती हुई हिलारों का कारवां है ये, इश्क जब सर पे चढ़ जाए तो पागल कर देता है, जिंदगी का अजीमो तरी इम्तिहा है, नजरों से जब दिल में बनने लगे कहानी, वो है इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी। तुम्हारे साथ क्लास ज्वाइन करूंगी। रियली नाइस। बंटी, आज कॉलेज में लड़कियों की अकाल पड़ी। साला लड़कियां तो बहुत हैं यार क्लास में, लेकिन कोई मतलब की नहीं है। और तुम्हारा? अरे बंटी, पीछे देख, नई वैकेंसी आई है। और यहाँ पे टीचर कौन कौन है? टीचर तो कौन? Hi. New admission. Oh wow. माथे की लकीर पढ़ने वाले यहाँ भी है। मैडम, मैं ना बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ। अब आप कुछ कहें तो बताऊँ। बंटी पका मत प्लीज। यार उसका फर्स्ट डे है और तू यहाँ वैकेंसी समझ के फॉर्म भरने आ गया। तो बेटा सुन, यहाँ की सारी लाइनें व्यस्त हैं। I like the attitude. चले, consider me as a friend, okay? Sure. So चलो, सनी सर की फर्स्ट क्लास है, तुम्हें भी मजा आने वाला है, हाँ? Good morning, all of you. बैठ जाओ। I hope आपने अपनी छुट्टियाँ खूब enjoy करी हो, didn't it? आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, right? सनी सर, सर कम फ्रेंड ज्यादा है। तो दोस्तों, आज के नया चैप्टर शुरू करने से पहले सीमा, क्या बात हो रही है, हमें भी तो बताओ, थोड़ा हम भी हंस लें। सर, मैं तो बस आपके बारे में ही बात कर रही थी आरती से। आरती, नहीं? Yes, sir. न्यू एडमिशन? यस सर। हाँ, डीन सर मुझे बता रहे थे। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। दोस्तों, ये है आरती। आरती, कैन वी हैव योर इंट्रोडक्शन, इफ यू डोंट माइंड? यस। आरती प्लीज। मेरा नाम आरती है, आरती सक्सेना। अशोका यूनिवर्सिटी से पहला सेमेस्टर किया है और अभी एडमिशन लेकर आई हूँ। सनी सर के बारे में बहुत सुना है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि लिटरेचर मतलब
सनी सर। आरती, ये बोरिंग बातें नहीं सुननी हमको, कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताओ, लाइफ के बारे में बताओ। आप लाइफ के बारे में क्या सोचती हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बताइए ना। बैठो बैठो, ऐसे ही बताओ। मेरी क्लास में कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मैं आपकी इस दोस्त की तरह तो हूँ, खाली इतना फर्क है कि आप बेंच के उस तरफ हैं और मैं इस तरफ। आप मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ओके। ये मेरी क्लास है, सनी सर की क्लास है ये। आई लव नेचर, बीचेस, माउंटेन्स, वैलीज। आई थिंक देयर इज रोमांस स्कैटर्ड ऑल अराउंड द नेचर। इट टीचर्स अबाउट हार्मनी एंड इमोशंस। आई लाइक रोमांटिक स्टोरीज, रोम कॉम्स आर माई फेवरेट। रोमांटिक स्टोरी, बहुत ही बढ़िया। प्यार के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, असल में हर स्टोरी में फीलिंग्स होती है जो मुझे अंदर तक छू जाती है। और रहा प्यार का सवाल, तो प्यार तो जीवन का सबसे अनमोल वरदान है। प्यार से सुंदर कुछ भी नहीं, हाँ बस उसमें चाहने वाला ग्रीडी ना हो जाए। अरे तो वैकेंसी है, फॉर्म भर दे क्या? आरती, तुम्हारी बातों में बहुत ही डेप्थ है, तुम समय के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मैच्योर थॉट रखती हो। तो कहाँ आजकल के बच्चे प्यार को इतनी अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड आरती, वेरी गुड। बंटी, सीखो कुछ आरती से। ये जो तुम हर जगह फॉर्म भरते रहते हो ना, इसलिए भरोसा नहीं होता है तुम्हारे पे। एक जगह फॉर्म भरो और उसी पे फोकस करो, समझे? बस सर, आपका आशीर्वाद बना रहे, अच्छी जॉब पाकर दिखाऊंगा। आई होप आप सबने असाइनमेंट कर लिया जो मैंने दिया था, ऑन कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप। दैट वॉज ब्यूटिफुल, यू नो, दैट वॉज ग्रेट। बंटी, तुम दिख रहे हो, असाइनमेंट लाई हो ना, लाओ असाइनमेंट लाओ यहाँ पर। सर कुछ तो रहम कीजिए, पहला दिन है आज, थोड़ा तो इंप्रेशन बना रहने दीजिए। आरती, मैं तो कहूँगा तुम भी असाइनमेंट कर डालो, इससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, लिटरेचर और फाउंडेशन की नॉलेज भी इम्प्रूव होगी। जी सर। और कोई भी प्रॉब्लम हो, सीमा है ना? यस। तुम सीमा से पूछ सकते हो, और अगर टाइम मिला तो मैं भी तुम्हें हेल्प कर दूँ, तो मेरे पास आ सकते हो। ओके सर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमियो और जूलियट की। रोमियो और जूलियट ने रूहानी प्यार किया था जो सदियों तक याद रहेगा। रूहानी प्यार होता क्या है, क्या किसी को खबर है, किसी को पता है? काफी लोगों ने इसके बारे में बातें करी, काफी किताबें लिखी गई हैं कि प्यार का मतलब क्या होता है, प्यार कहां से होता है, प्यार का जन्म कहां से हुआ था, प्यार की परिभाषा क्या है। रूहानी मतलब आत्मा से, दिल से। मुझे लगता है किसी को पता ही नहीं कि प्यार होता क्या है, प्यार का शब्द कहां से आया, क्यों आया। प्यार, हम सबको प्यार ही तो है, एक दूसरे से, सबसे। प्यार ना होता तो कुछ भी ना होता। कल हम फिर इसके बारे में बात करेंगे, ओके? असाइनमेंट का पूछ रही थी ना? हाँ। कुछ नहीं करना है, एक फाइल बनानी है और कोई एक टॉपिक चूज कर लेना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है? फाइल ले आना, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक है? और नहीं समझ में आए। अब हमारे आदरणीय सर की बातों को तो मैं टाल नहीं सकता, तो इसलिए असाइनमेंट बताने आया हूँ। बताओ कहाँ से शुरू करूँ? जहाँ से तुम्हारा असाइनमेंट खत्म होता है ना, वहाँ से तो मेरा इंट्रोडक्शन शुरू होता है। सो तुम अभी इस लायक नहीं कि मैं
अभी पहल करो। अरे वाह बेटा, बेटा तू अपनी बचा के निकल वरना सिंगल ही मरेगा। चल जा। I'll try again. May I come in, sir? Yes, yes, sure. ओह आरती, बैठो बैठो। और कैसा लगा हमारा कॉलेज? सर आपकी क्लास में आने के बाद लगा जैसे मैंने पहले बहुत कुछ मिस कर दिया, लगा ही नहीं कि मैं क्लास में बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, आज तक आप जैसे टीचर मिले ही नहीं। आरती देखो, मेरा पढ़ाने का अलग ही तरीका है। मैं एक फैकल्टी भी हूँ और बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी हूँ। मेरा मानना है कि आज के डंडे के जोर पर पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉलेज से रिगार्डिंग, योर पर्सनल प्रॉब्लम, लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ऑलराइट, सो नेवर हेजिटेट इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी। ऑलराइट, ओके सर, आपका नंबर दीजिए। श्योर, यू कैन टेक माई नंबर। यू टेल मी योर नंबर। 9584348754। यही नंबर है, राइट? यस सर। मैं मिस कॉल दे रहा हूँ, इस पर नंबर सेव कर लेना। ओके, एंड नेवर एवर हेजिटेट टू कॉल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, राइट? थैंक यू सर। थैंक यू आरती। बाय सर। बाय आरती। टेक केयर सर। कैसा मेरा बेटे? और मैं शादी के बाद तो बिना किस किए घर से नहीं निकलते थे, और घर वापस आकर भी किस भी करते थे और हग भी, और अब सारा प्यार बेटी के लिए हो गया। पापा देखो, मम्मा फिर से हम दोनों के बीच में आ रही है। मम्मा ये मेरे पापा हैं, आपके नहीं। अच्छा जी। आया? आ गया बेटे। हाँ माँ। चलिए। क्या मस्त है इसकी वाइफ, तत तेरी की, फिर भी साला मेरे माल पे हाथ मार रहा है। घर वाली भी और बाहर वाली भी, तू रुक जा बेटे। आज तेरे कॉलेज का पहला सेशन था, कैसा रहा? अरे माँ, बहुत ही बढ़िया रहा। आपको पता है ना, जब मैं अपने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे को मजा आ जाता है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तो ताजा हो जाता हूँ मैं। I enjoyed it today. पापा आपके कॉलेज में जिम भी है क्या? बिना जिम के तो कोई भी फ्रेश नहीं होता। बेटे फ्रेश कैसे होते हैं अपनी मम्मी से पूछो, कॉलेज में फ्रेश होने के तो बहुत तरीके होते हैं। परी फटाफट अपना जूस खत्म करो, और फिर होमवर्क भी करना है ना। जब देखो कब शप में लगी रहती। तो क्या हुआ? सनी सर को मैसेज करती हूँ मैं, करूं कि नहीं करूं? दोस्त की तरह तो हूं, खाली इतना फर्क है कि आप बेंच के उस तरफ हैं और मैं इस तरफ।
मैं एक फैकल्टी भी हूँ और बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी, ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। गुड नाइट सर, टेक केयर सर। यार सनी, कोई तो बात है बॉस, या तो तू कहीं खोया खोया सा है या फिर रास्ते में कुछ हो गया, वरना ऐसा कभी हुआ है कि तूने पैक मुझे बनाने दिए हो? कमीने, मान गया मैं तेरी नजर को, मेरी बीवी तक नहीं पहचान पाई वो तूने जान लिया। देख ज्यादा कुछ नहीं, कॉलेज में एक लड़की आई, बहुत ही समझदार और मैच्योर है। यही नहीं, कल वो जब कैबिन में आई थी ना, उसने मुझे टेक केयर बोला, टेक केयर। अबे ये सब तो कटसी में कोई भी बोल देता, इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेने का भाई। और सुन, तेरी एक बच्ची है, तेरी बीवी है, इतनी सुंदर, अब तो कॉलेज में इस तरीके के कांड करेगा तो लोग तेरे क्या बोलेंगे, ढरकी। और अगर ऐसा अटैक लग गया ना एक बार तो ये आराम से उतरता नहीं मेरे भाई। अबे मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ, तुझे बता ही तो रहा हूँ। देख ओ भाई मेरे, ये मैसेज वैसे तो ठीक है, पर तेरे को बता रहा हूँ तो कुछ कांड मत कर देना। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना कॉलेज के अंदर, ये जीन्स टॉप स्कर्ट, जहां भी उन्होंने किसी पॉपुलर टीचर को देखा ना, दिल दे बैठते हैं। लेकिन तेरे को बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो अपना दिल संभाल कर रखियो, समझा? तुझे मालूम है? नहीं मालूम, बता। जीवन का सबसे बड़ा वरदान क्या है? देख, पता है तेरे को? देख, प्यार मत बोलियो। अबे प्यार ही तो है, प्यार ही तो है सबसे सुंदर, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। वाह वाह, कल तक तो तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान था तेरी बेटी परी, तेरी बीवी इतनी खूबसूरत। आज तेरे लिए वरदान कोई वो बाहर से आई हुई लड़की बन गई जिसने तेरे को टेक केयर बोल दिया। वाह वाह मेरे भाई। अच्छा एक मिनट, ये बात तेरे को उस लड़की ने तो नहीं बोली? गया काम से। समान, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है तुम ऐसे बाल मत बनाए करो, जब तुम ऐसे बाल बनाती हो मैं अपने आप को काबू में नहीं रख पाता। तुम्हें क्या पता, मैं तो तुम्हें चेक करती रहती कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए अभी भी उतना ही है या कम हो गया। सुमन, ये टेक केयर का मतलब क्या होता है? मतलब टेक केयर मतलब टेक केयर। और एक बात बताओ, लैंग्वेज और लिटरेचर के टीचर तुम हो
और मतलब मुझसे पूछ रहे हो। वाह भाई वाह। सुमन, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई तुम्हें टेक केयर बोले, क्या वो तुम्हारी सच में फिक्र करता? कौन मिल गया तुम्हें जो तुम्हारी केयर कर रहा है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी की केयर में लग गए? अरे सुमन, मेरी केयर टेकर तो तुम ही हो और मैं तुम्हारा। अब तो किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो हम दोनों की केयर कर सके। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी और दूसरे की जरूरत है, समझे? आपकी एक्टिविटी बहुत ही मजेदार है। आप सबकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। जिसको भी आप पकड़ेंगे, आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना पड़ेगा। इससे ये होगा कि आप एक दूसरे को जानने पहचानने लग जाएंगे। तो घूमते रहिए, रुकेगा मत। देखते हैं कौन किसको पकड़ता है। लेट्स रॉक इट, कम ऑन। रुकना नहीं है दोस्तों। पकड़ लिया, पकड़ लिया। सॉरी सर। नो, इट्स ओके। सॉरी क्यों? रूल इज रूल, राइट? बताओ मेरे बारे में, बताओ। बचपन से लेकर आज तक इतने स्कूल्स और कॉलेज में पढ़े, पर सनी सर जैसे टीचर नहीं मिले। वो स्टूडेंट्स को दोस्त से भी ज्यादा मानते हैं। इनके साथ लविंग, केयरिंग और बॉन्डिंग की फीलिंग आती है। हाँ सर, शी इज राइट। तभी तो हम जैसे स्टूडेंट्स आपसे जेलस हैं। देखो, आज के लौंडे जेलस भी करते हैं। सर को भी खुश कर दिया। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुम सब भी तो यही ख्याल रखते हो, तो मैंने खुल के कह दिया। और हमारी एक्टिविटी भी तो यही थी कि किसी के बारे में कुछ अच्छा कहना। आरती, जब अच्छा बहुत अच्छा लगने लग जाए ना, तो समझो बात आगे बढ़ रही है। पागल है क्या सीमा? टीचर है वो हमारे। एग्जैक्टली, टीचर है वो हमारे। उनकी फैमिली है, बेटी है, वाइफ है। अच्छा, सर शादीशुदा है? और नहीं तो क्या, तुझे क्या लगा? वैकेंसी है, फॉर्म भर दूँ? बोल तो बंटी से बात करूँ? तू भी ना, कॉफी पीने चले? चलते। मेरा साजन है उस पार, मैं उस पार, अब की बार। ओ मेरे बाजी, ओ मेरे माजी। मेरा साजन है इस पार, मैं उस पार, अब की बार। अब लगता की है सच में इस बार सजनी उस पार रह गई। ले आते, हम भी देख लेते। जिसके लिए इतने रोमांटिक शोमेंटिक गाने गाए जा रहे हैं, केयरिंग शेयरिंग चल रही है। जाने मन, खुश रहो तो जलन, चुप रहो तो दिक्कत। अरे इन दोनों के बीच में कुछ और भी है क्या? दुनिया कहीं भी जाए मेरी जान, लेकिन हमारी जान तो तुम हो। ना हम अपनी जान दे सकते हैं, ना किसी की जान ले सकते हैं। हाय, उफ, बड़ा दिल में दर्द उठ रहा है प्रोफेसर साहब। पापा,
पापा मम्मा मुझे बहुत परेशान करती है, ना ही वो मेरे साथ खेलती है, ना ही वो मुझे टीवी देखने देती है, वो मुझे फ़ोन पे गेम खेलने भी नहीं देती है, वो बस मुझे डांटती रहती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये क्या बात है भाई, मेरी परी को इतना क्यों परेशान करा जा रहा है? मुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी लानी पड़ेगी जो तुम्हारे साथ खेलेगी और आपकी मम्मी को हेल्प भी करेगी। तुम क्या कहती हो परी? मजा आ जाएगा पापा, है ना? हाँ। ये यस राइट, दो मम्मा डबल मजा। पर आप दूसरी मम्मा लाओगे कहाँ से, मार्केट से या कॉलेज से? कहीं ना कहीं से तो ले आएंगे बेटा, आपके पापा ना बहुत टाइम से दूसरी मम्मा ढूंढ रहे हैं आपके लिए। चलो अच्छा ही है, ले आओ, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। जाने मन, तुम्हारे लिए तो चांद तारे भी तोड़ लाए, परी के लिए नई मम्मी क्या बात है? कौन किसके लिए नई मम्मी ला रहा है? देख रही है माँ, परी के लिए दूसरी मम्मा लाने की बात कर रहे हैं। बच्चे तुम्हारी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुम सुमन को क्या गिफ्ट दे रहे हो? माँ बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट है और सरप्राइज भी है, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे पसंद आने से कुछ नहीं होता, सुमन को पसंद आना चाहिए। अरे सुमन को भी पसंद आएगा। अच्छा लेट्स सी, चलिए खाना रेडी है, आइए सब। चलो आओ। सनी सर कितने अच्छे हैं ना, कितने क्यूट है, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं सबको। उनकी फैमिली है, बेटी है, वाइफ है, लेकिन वो शादीशुदा है, उनकी एक बेटी भी है। मुझे नहीं जाना चाहिए उनके पास। सर असल में हर स्टोरी में फीलिंग्स होती है जो मुझे अंदर तक छू जाती है। गुजर रही थी जिंदगी पर ये पता ही न था, है कहीं कसक सी बाकी कोई ये लगा ही न था। सब तो था पास में मेरे, फिर भी कुछ था जो नहीं था। तुम जो आए तो ये लगा हाँ यही वो खाली पंसा था। दिल की धड़कन को है मिली एक नई रवानी, जब हुआ इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, ये है इश्क रूहानी। जब हुआ इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, ये है इश्क रूहानी। ये क्या, परी की दूसरी मम्मा की यादों में खोए हो गए सनी सर? अरे कौन सी परी की मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। अच्छा सुनो ना, एनिवर्सरी पे कौन सा सरप्राइज देने वाले हो? अरे वो तो जो मैं लाऊंगा तुम्हें तभी पता चलेगा ना। बताओ ना। अरे अभी क्या बताऊं, तुम खुद ही देख लेना। ओके। अरे सुमन, मेरी दवाई का माँ है। हाँ माँ आई। सुनो मैं माँ को दवाई और दूध दे के आती हूँ, अभी आई।
सनी सर कितने अच्छे हैं ना, कितने क्यूट है। वो शादीशुदा है, उनकी एक बेटी भी है, मुझे नहीं जाना चाहिए उनके पास, 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 मुझे नहीं जाना चाहिए उनके पास। आरती कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही, आ नहीं रही, ना कोई मैसेज आ रहा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? पता नहीं क्यों मन घबरा सा रहा है। गुड मॉर्निंग आरती, तुम इतने पीछे बंटी के साथ, सीमा यहाँ अकेले, वाह ये क्या बात हुई। नहीं सर मैं यही ठीक हूँ, लेट आई इसलिए पीछे आना पड़ा। चलो ठीक है, हाँ क्लास के बाद मेरे कैबिन में आना, असाइनमेंट लेके आना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोनंसिएशन की। बहुत सारी कहानियाँ पढ़ ली हमने, काफ़ी कहानियाँ पढ़ ली जिसमें रोमांस था। अगर हमारी प्रोनंसिएशन अच्छी नहीं होगी हम कैसे पढ़ पाएंगे लिटरेचर को, राइट? तो इट्स वेरी नेसेसरी टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस करेक्टली। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि अगर हमें इंग्लिश प्रोनंसिएशन इम्प्रूव करनी है तो आधा घंटा कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश की बुक लाउडली पढ़िए, जिससे कि आपके आर्टिकुलेटर्स इम्प्रूव हों, आपका डिक्शन अच्छा हो जाए। तो प्रोनंसिएशन को हम कहते हैं उच्चारण, तो उच्चारण हमारा तभी ठीक होगा। आरती आओ बैठो, सब ठीक है ना? यस ऑल वेल। यस सर ऑल वेल। आरती मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, तुम चाहो तो चुप रह सकती हो, बिना कुछ कहे यहाँ से जा सकती हो, पर जो मेरे मन में है प्लीज उसे सुन लेना। आरती मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं, रूहानी प्यार, तुम्हारी रूह से मुझे बहुत प्यार हो गया। तुम्हें पता है तुम्हें देखना, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी प्रेजेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे इन जज्बातों को किसी घटिया परिभाषा में मत बांधना। आई लव यू आरती, तुम मुझे प्यार करो या ना करो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। I love you. I hope she understands. साला ठरकी सन्नी सर, अब तू देखता जा मैं क्या क्या करता हूं।
यार कबीर, क्या सुना कैसे फैकल्टी का कुछ लफड़ा हो गया कॉलेज में? कैसा लफड़ा? मुझे क्या पता, तू बता ना। अबे एक बात बता, तूने क्या मेरे को आकाशवाणी समझ रखा है कि पूरी दुनिया खबरें दूंगा मैं तेरे को चढ़ गई है क्या? नहीं नहीं। तो ऐसा कर, तू निकल यहाँ से। ये लेके निकल। अरे लेके चलो जा यार, कोई नहीं। गुड नाइट। वाह गुड नाइट यार। तेरे को समझाया था ना मैंने? हाँ यार ये तो है। अबे यार ये तो कौन से रूहानी प्यार रूहानी प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ भाई मेरे। अबे कबीर तू नहीं समझेगा यार, तू मेरे प्यार के आस पास भी नहीं पहुंच पाएगा, समझा? चल तेरे दोस्त के नाते समझा रहा हूँ, ये तेरा प्यार रूहानी है, पर तू इस प्यार को दुनिया को कैसे समझाएगा? कल तेरी माँ पूछेगी, उसको कैसे समझाएगा? तेरी बीवी पूछेगी, उसको कैसे समझाएगा मेरा प्यार रूहानी है? आज तो शुक्र कर के आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल अगर कोई बात हो जाती है तो मैनेजर को क्या समझाएगा मेरा प्यार रूहानी? बकवास। क्या मुझे मालूम है दुनिया मेरे इस प्यार को नहीं समझ पाएगी, इसलिए मैंने आरती को साफ साफ कह दिया है मुझे इस प्यार के बदले में कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ये बात बता, ये बात अगर तेरी बीवी तेरे को बोले कि उसको किसी से रूहानी प्यार हो गया है तो? हाँ क्यों नहीं। देख तू ना अपनी बात को बनवाने के लिए ना कुछ भी कह सकता है, जब देखो एक टीचर बन जाएगा, अपना ज्ञान पिन लेगा दुनिया के ऊपर। अबे तेरे को ज्यादा चलेगी तो घर जा, निकल यार। अच्छा मैं घर जाऊं? मेरा घर, मेरे घर में तू बैठा हुआ है और मेरे को बोल रहा है घर जाओ। अबे चढ़ी किसको है, तेरे को या मुझे? अबे तू घर जा। साइलेंस। मैंने कहा साइलेंस। अरे चुप बंटी, क्या बदमाशी करी है तुमने, ये सब क्या? सर पता नहीं आप जैसे लविंग और केयरिंग टीचर के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे हैं। वेरी बैड सर, मुझे तो बहुत बुरा लगा, वेरी बैड। क्या बोल रहे हैं भाई? सर कहने में तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, बट सिंस आप पूछ ही रहे हैं तो। सर ठरकी कह रहे हैं सर आपको? सर आपको डीन सर ने बुलाया। हाँ अभी आता हूँ। सर अभी बुलाया है। अभी बुलाया? सनी सर आइए प्लीज बैठिए। सनी सर यू आर सो डियर टू मी, आप स्टूडेंट्स में भी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन ये क्या सुन रहा हूं मैं, आपने इस नई लड़की आरती के साथ क्या किया? सर मैंने आरती के साथ कुछ भी नहीं करा है, मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं। मैंने कल आरती को अपने कैबिन में बुलाया और बताया कि मैं आरती से रूहानी प्यार करता हूँ। मैंने ये भी बताया कि इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आरती को देखना, उसकी मुस्कुराहट, उसकी प्रेजेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आरती मुझे चाहे या ना चाहे, मैं आरती को हमेशा प्यार करता रहूँगा। मैंने ये भी कहा आरती को, मेरे इन जज्बातों को किसी घटिया परिभाषा में मत बांधना। आरती मेरे से प्यार करे या ना करे, मैं आरती से हमेशा प्यार करता रहूंगा। सर मैंने आरती के साथ कुछ भी मिसबिहेव नहीं करा,
आरती तुम बताओ, सनी सर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हें कैसे तंग किया, तुमसे क्या क्या कहा, सब खुल के बताओ। सर पहले तो ये गलत बात है कि इन्होंने मुझे तंग किया। इन्होंने जितनी भी बातें बताई वो सब सच है। इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई गंदी बात कही, ना ही कोई गंदे इशारे किए, और ना ही कोई डबल मीनिंग बात की। ओह, गुड, आई सी। सर आपको ये बात किसने बताई? मैंने तो आपसे शिकायत नहीं की। हम डीन हैं इस कॉलेज के, इस कॉलेज के चप्पे चप्पे में जो होता है मेरी निगाह से नहीं छुपता। कुछ भी हो जाए मुझे सारी चीजों की खबर मिलती रहती है। एनीवे यू मे लीव। ओके सर। सनी सर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बात करेंगे ये आपसे उम्मीद नहीं करता था मैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम सो आई एम लीविंग यू। नेक्स्ट टाइम मैं एक्शन लूंगा, याद रहे। नाउ यू मे लीव। ऑल सर, थैंक यू। The number you are trying to reach is currently unavailable. संदीप सर आपने किसी स्टूडेंट को प्रपोज कर दिया? अरे वाह सर, आपकी इतनी सुंदर वाइफ, घर वाले भी बाहर वाले भी, कर दिया कांड। अबे तू भी यार कमाल है।
number you are trying to reach is currently unavailable. पता नहीं किस हाल में होंगे, कितने परेशान होंगे। Currently switched off. Please try after some time. हाँ भाई, बराली, हो गया जरा रूहानी प्यार? रूहानी प्यार, सब हो गया? मना किया था ना तेरे को मैंने? समझाया था ना? अब भाई जो हो गया तो हो गया, अब झंड हो गई। ये झंड हो गई तो क्या करें अब? पहले भी तो मैंने तेरा दोस्त बना था, पहले भी तेरा देख सनी, मैंने तेरे को बोला था ना कि इन चीजों में मत पड़। मस्त रहे यार। वैसे एक बात बताऊं, तेरे को तो पहले से पता था कि ये नौबत आएगी, अब आ गई तो भी दिक्कत क्या है? दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तू ही बता मेरे को। ये देख, आरती ने बुलाया मिलने के लिए, मैसेज आया है। मैं कह रहा था ना। अबे तू क्यों खुश हो रहा है? गर्लफ्रेंड मेरी है, तेरी नहीं है। बैठ जा। मेरे तो भाभी है। ये बात पर तू उससे मिल। अरे वो तो मिलूंगा यार। वो तो मैं कह रहा हूं ना, मिल। अभी तक मैं रोक रहा था, अब उसने बुलाया, मिल। फिर आके हमें बताना कि क्या हुआ। हाँ यार, वो तो मिलूंगा ही। आप इतनी लेट क्यों आए? आ तो गया ना। आपको पता है, आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने मुझे प्यार किया और बड़ी ईमानदारी से बता दिया। मुझे कॉलेज में रोज बुरा लगता है कि हर कोई आप पे कमेंट मारता है और आप चुप आप आगे बढ़ जाते हैं। इतनी ताकत तो सिर्फ उसी में हो सकती है जो सच्चा और रूहानी प्यार करता हो, वरना कुछ से कुछ हो जाता। मुझे सुकून है कि तुमने मेरे प्यार को समझा, पर निराश हूं तुमने प्यार की ताकत को समझा। थैंक यू आज। बैठिए तो सही। आरती, जब से मैंने तुम्हारा मैसेज देखा था, मैं समझ गया था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। जी, मुझसे ऑर्डर किया।
मैंने ऑर्डर किया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? ये मेरा इश्क है, हाँ इश्क है, नहीं है कोई गुनाह। क्यों मुझे इश्क में, हाँ इश्क में नहीं मिलती पनाह। मेरे इश्क की पाकीज़गी को तुम समझते क्यों नहीं? क्यों मेरे अपने उठाते हैं मुझ पर ऐसी शकीनगा। ये रूह से रूह का मिलन ना की जिस्मानी। मेरा है इश्क रूहानी, ये मेरा इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी। मेरा है इश्क रूहानी, मेरा है इश्क रूहानी, ये मेरा इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी। मेरा है इश्क रूहानी। बस बच्चे, बस बस, थैंक यू। परी कहाँ है? परी खाना खा के सो चुकी है, चिंता मत कीजिए, खाना खाए। बेटा, आपकी शादी की सालगिरह आ रही है, सुमन को क्या गिफ्ट दे रहे हो? दिस गिफ्ट विल बी अ वेरी स्पेशल एंड सरप्राइज गिफ्ट, जस्ट वेट एंड वॉच। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक रहने चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी सनी सर। अजनब में आप ही मेरे पति बन के रहना और मैं आपकी पत्नी। हैप्पी एनिवर्सरी सुमन, तुम्हारे प्यार के बिना मैं अधूरा हूं। तुम ही मेरी हिम्मत हो, तुम ही मेरी ताकत। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ, तुम्हें आज एक सरप्राइज देना है मुझे, ठीक है? ठीक है, फिर मैं ना सारी तैयारियां करके रखती हूँ, लेकिन सुनो, कॉलेज से प्लीज जल्दी आ जाना, बिल्कुल लेट मत करना। अरे कबीर, हेलो, मैं बोल रही हूँ सुमन। थैंक यू सो मच। सनी तो अभी बाथरूम में गए हैं, इन्हें कॉलेज के लिए जल्दी निकलना है। मैं बोल दूंगी, आपका फोन आया था। ओके, थैंक यू, बाय। किसका फोन है सुमन? कबीर का, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, विश करने के लिए फोन किया था, और बोल रहे थे कुछ खास बात करनी है उन्हें। अच्छा सुनिए, गेस्ट सारे 6 बजे आ रहे हैं, बट आई वॉन्ट सम पर्सनल टाइम विद यू, तो प्लीज 2 बजे तक आ जाना। हाँ बिल्कुल। एंड आई ऑल्सो हैव अ सरप्राइज फॉर यू। मेरे लिए सरप्राइज? अरे सरप्राइज तो मैं लाऊंगा आज। अच्छा, ऐसा क्या ला रहे हो? सुमन बेटा, केक का ऑर्डर दे दिया ना?
हाँ माँ, आ जाएगा टाइम से। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। तुम तो जो भी पहनते हो बहुत अच्छा लगता है माँ। मामा। हाँ बेटा। जो पापा सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे वो कैसा होगा और वो कहाँ पर रखेंगे? देख रही है माँ, इसको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है। अरे पहले आने तो दो गिफ्ट। परी, ये है तुम्हारी नई माँ। देखो ये था सरप्राइज गिफ्ट। क्या हुआ बेटे? इतनी अच्छी बहू के उगते हुए तो दूसरी बहू ले आया है। माँ तुम तो समझो, ये हमारी नई बहू। नहीं चाहिए मुझे। माँ ये रूहानी प्यार है। मुझे मुझे गलत मत समझ। आज तेरा बाप जिंदा होता। मुझे गलत मत समझ। परी बेटा सुमन, क्यों नहीं मर गया? सुमन लाई कहीं के निकल जाए। माँ अगर तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मुझे? बस माँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ जो शादी के एनिवर्सरी वाले दिन तुम ये सरप्राइज लेकर आए मेरे लिए, हाँ शर्म नहीं आती तुमको? तुझे मेरा ही घर मिला बर्बाद करने के लिए, शर्म नहीं आती? एक बेटी के बाप है ये, शर्म नहीं आती तुझे? इश लड़ा रही है एक बेटी के बाप से, बेशर्म लड़की, चली जा यहाँ से। आरती सुनो, आरती सुमन क्या कर रहे हो? You also get lost. नहीं समझ पा रही क्या? चले जाओ, निकलो, निकलो। मेरे को नहीं चाहिए ऐसे नालायक बेटे को, मेरे को नहीं रखना। तुम नहीं समझ रही हो रूहानी प्यार को? तो कौन? नहीं नहीं, आप निकल जाओ मेरे को घर से। मेरे को माँ तुम तो समझो, तुम तो मेरे अपने हो। निकल जाओ, निकल जाओ तुम मेरे। कोई इच्छा नहीं मेरा तुम्हारे। समझो, निकलो यहाँ से, जाओ, चले जाओ। समझो सुमन, सुमन समझो, सुमन चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी ये क्या, आज मैं अकेला रह गया? मेरे अपने पराये हो गए? पापा, पापा आप तो कहते थे दिल की सुनो, वही तो किया ना मैंने, सब कुछ खत्म कैसे हो सकता है? कैसे, 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 कैसे? इश्क तो इश्क है, जज्बातों की जुबान है ये, दिल में उठती हुई हिलारों का कारवां है ये। इश्क तो इश्क है, जज्बातों की जुबान है ये, दिल में उठती हुई हिलारों का कारवां है ये। इश्क जब सर पे चढ़ जाए तो पागल कर देता है, जिंदगी का अजीमो तरी इम्तिहा है। नजरों से जब दिल में बनने लगे कहानी, वो है इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी, समझ लो इश्क रूहानी, हो रहा इश्क रूहानी, वो है इश्क रूहानी।
गुजर रही थी जिंदगी पर ये पता ही न था है कहीं कसक सी बाकी कोई ये लगा ही न था सब तो था पास में मेरे फिर भी कुछ था जो नहीं था तुम जो आए तो ये लगा हाँ यही वो खाली पंसा था दिल की धड़कन को है मिली एक नई रवानी जब हुआ इश्क रूहानी समझ लो इश्क रूहानी हो रहा इश्क रूहानी ये है इश्क रूहानी जब हुआ इश्क रूहानी समझ लो इश्क रूहानी हो रहा इश्क रूहानी ये है इश्क रूहानी नहीं है कोई गुनाह क्यों मुझे इश्क में हाँ इश्क में नहीं मिलती पनाह मेरे इश्क की पाकीजगी को तुम समझते क्यों नहीं क्यों मेरे अपने उठाते हैं मुझ पर ऐसी शक्की निगा ये रूह से रूह का मिलन ना की जिस्मानी मेरा है इश्क रूहानी ये मेरा इश्क रूहानी हो रहा इश्क रूहानी मेरा है इश्क रूहानी मेरा है इश्क रूहानी ये मेरा इश्क रूहानी हो रहा इश्क रूहानी मेरा है इश्क रूहानी